गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुजीत द्विवेदी, वेलकम यू इन SDEL पॉइंट। इट इज अ एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विच प्रोवाइड यू ऑल सिलेबस फ्रॉम 9 to 12 यूपी बोर्ड एंड CBSE बोर्ड। टुडे वी आर अबाउट टू स्टडी प्रोज लेसन फर्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एंड खुशवंत सिंह इज द author of this lesson. So don't waste time, let's begin. खुशवंत सिंह ने इसमें एक ही अपनी आत्मकथा लिखी है जिसमें उन्होंने अपनी दादी का एक किरदार लिया है और इस दादी के किरदार में उन्होंने बताया है कि उनकी दादी किस प्रकार से लगती थी, कैसी उनकी विचारधाराएं थी, कैसा उनका दृष्टिकोण था, उनके बारे में लोग क्या सोचते थे, और जब वह स्कूल जाते थे या फिर आते थे, या किस प्रकार से उनकी देखभाल करती थी, जब विदेश चले गए तो उन्होंने कैसा महसूस किया, तथा उनके नेचर के बारे में उन्होंने यहाँ सब कुछ बताया है। बहुत ही अच्छा पाठ है, सिंपल है, और इसी के बारे में हम विस्तार से अब अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, माई ग्रांड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रांड मदर, मेरी दादी माँ अन्य लोगों की या प्रत्येक दादी माँ की तरह ही वाज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन फॉर, जब से मैं उन्हें जानता हूँ या मैंने जाना है, 20 वर्ष से जब से मैंने उन्हें जाना है, वह ऐसी ही बूढ़ी थी और झुर्रियों दार, यानी उनके चेहरे पर झुर्रियां थी। पीपल सेड दैट, लोगों ने कहा या लोग कहते थे कि सी हैड वंस बीन यंग, वह एक समय युवती थी, यानी युवा थी, एंड प्रेटी और सुंदर भी थी। एंड हैड एवन हैड अ हस्बैंड, उनका एक पति भी था, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह विश्वास करना कठिन था। माई ग्रांड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्रॉइंग रूम, बैठक में मेरे दादाजी का तस्वीर या चित्र अंगीठी के ऊपर टंगा हुआ था। एंड ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और वे ढीले ढाले वस्त्र पहनते थे तथा एक लंबी पगड़ी धारण करते थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उसके सीने का अधिकांश भाग सफेद और लंबी दाढ़ी से ढका रहता था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years एगो, वह 100 वर्ष से भी अधिक, कम से कम 100 वर्ष के तो लगते ही थे। ही डिड नॉट लुक अ सॉर्ट ऑफ पर्सन, वे इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे, हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, जिसके की एक पत्नी और बच्चे हों। ही लुक्ड ऐसे प्रतीत होते थे मानो एज इफ ही वुड ओनली हैव लॉट्स और लॉट्स ग्रैंड चिल्ड्रन, कि उनके बहुत सारे पोत और पोत्रियां हों। एज फॉर मैनी ग्रैंड मदर अन एज फॉर माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ की तरह बीइंग यंग एंड प्रेटी, सुंदर या युवती होना, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, हमेशा विरोधात्मक ही रहा है, वह विचार यानी कि विरोधात्मक ही रहा है कि जब, मतलब मेरी दादी के युवती या सुंदर होने का विचार जो है वो विरोधात्मक ही रहा है। सी ऑफन टोल्ड अस, वाई अक्सर मुझसे, हमसे, द गेम्स, उन खेलों की बातें करती, सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जब वह बच्ची थी तो खेला करती थी, या जब वो बच्ची थी खेला करती थी, उन खेलों के बारे में बताया करती थी। दैट सीम क्वाइट एब्जॉर्ड एंड अनडिग्निफाइड, जो कि बहुत ही मूर्खतापूर्ण होता था तथा अपमानजनक, अनडिग्निफाइड यानी अपमानजनक प्रतीत होता था ऑन हर पार्ट। एंड ही वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल ऑफ द प्रोफेट, सी यूज टू टेल अस,
और वे हमें जिस प्रकार से धार्मिक उपदेशों वाली कहानियां बताया करती थीं, तो हम उनके साथ वैसा ही धर्म गुरुओं जैसा व्यवहार करते थे या बर्ताव करते थे, यानी कि हम उन्हें ऐसा मानते थे जैसे वे हमें धर्म गुरुओं के विषय में कहानियां सुनाती थी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वह सदैव से हमेशा से नाटी मोटी और हल्की सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। प्रत्येक जहां पर या जहां जहां पर उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं जो एक दूसरे को काटती थीं। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन फॉर। जब से हमने उन्हें जाना है या देखा है, वह वी वर सर्टेन निश्चित ही सी हैड ऑलवेज बीन ऐसी ही रही हैं, वह हमेशा ऐसी ही रही हैं। जब से हमने देखा है, हमें विश्वास है कि जब से हमने देखा है वे सदैव एक सी रही हैं, ऐसी ही रही हैं। ओल्ड सो टेरिबली, बूढ़ी बहुत इतनी बूढ़ी कि सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब वह और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज ऑफ फॉर 20 years, और 20 वर्षों से वह इसी अवस्था में ठहरी सी हैं। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी सुंदर नहीं हो सकती। बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह सदैव सुंदर थी। सी हॉबलेड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट विथ वन हैंड रेस्टलिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। अपने कमर को, यानी कि अपने कमर को साधने के लिए एक हाथ अपनी कमर में रखे हुए, यानी कूल्हों को कह सकते हैं स्टूप, अपने कूल्हे को साधने के लिए एक हाथ कमर में रखे हुए, सदैव भी बेदाग सभी वस्त्रों को पहने हुए। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और एक हाथ अपनी माला में जपते हुए या माला फेरते हुए वह बेदाग सफेद कपड़ों को पहने हुए घर में लंगड़ा कर चलती रहती थी या चलती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पुकर्ड फेस, और उसका चेहरा उसके चांदी से बार, चांदी के समान ही सफेद बार उसके पीले तथा झुर्रियोंदार चेहरे पर बिखरे हुए थे। कैसे थे? बिखरे हुए थे। कैसे? अनटाइडली यानी बेढंग रूप से बिखरे हुए थे। एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके होंठ निरंतर बिना आवाज निकाले ही प्रार्थना के लिए चलते रहते थे या गति करते रहते थे। यस सी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन, और वे उस शीतकाल में पहाड़ी भू दृश्य सी थी, पहाड़ी भू दृश्य सी थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, जो कि स्वच्छ श्वेत शांत फैला हुआ हो, तथा जहां शांति ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जहां शांति और संतोष का वातावरण हो। माय ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता मुझे उसके पास जब छोड़ गए थे, तब छोड़ गए थे जब वे शहर में रहने के लिए गए थे। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और हम साथ में निरंतर रहते थे। सी यूज टू बैक अप मी इन द मॉर्निंग, सुबह वह मुझे जगाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए मुझे तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन माउंटेनस सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी,
जब वह मुझे नहलवाती और कपड़े पहनवाती थी तो वह सिंग सॉन्ग क्या करती थी, प्रार्थना करती थी या प्रार्थना गाया करती थी। कैसे गाया करती थी कि जैसे कि नीरस तरीके से, मोंटेनस नीरस तरीके से या नीरस स्वर में वह गीत गाया करती थी जब मुझे नहलवा देती और कपड़े पहनवा देती। सुबह के समय वह एक नीरस स्वर में गान गाया करती या प्रार्थना करती थी, इन होप इस आशा से करती थी यानी गान करती थी कि आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, कि मैं इसे सुनूं और इसे कंठक याद कर लूं। आई लिसन, मैं इसे सुनता था, बिकॉज आई लव हर वॉइस, क्योंकि मुझे उसकी आवाज पसंद थी, बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी भी उनको याद करने के प्रति हमने ध्यान नहीं दिया। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वह मेरी स्लेट यानी कि काठ की या लकड़ी की स्लेट को लाती, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे कि उन्होंने पहले ही साफ कर दिया होता था, एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चौक, और जिसे कि मुल्तानी मिट्टी का जिस पर उन्होंने पहले ही लेप लगा दिया था, अटनी हार्थे इनपॉट, और एक मिट्टी की बनी हुई छोटी सी दवात तथा एक रेड पेन और एक लाल कलम। वह मुझे टिन डैम आल इन बोतल, बोतल में इन सबको वह क्या कर देती थी, बहन देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे यह सौंप देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड सुगर स्प्रेड ऑन इट, यानी कि एक मोटी बासी सी रोटी जिस पर की घी और सुगर यानी शक्कर फैली हुई होती या लगी होती थी, उसका नाश्ता करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम विद्यालय जाते। सी कैरीज सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग, और वे बहुत सी कई रोटियां गांव के कुत्तों के लिए भी ले लेती थी। माई ग्रांड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरे साथ मेरी दादी माँ सदैव स्कूल जाती थी, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, मंदिर के बगल में ही था। द प्रीस्ट टॉट मी टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, पुजारी हमें बरमाला तथा सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। व्हाइल द चिल्ड्रन सैट इन रो ऑन अदर आइदर साइड ऑफ द बरामदा, बरामदा के दोनों ओर बच्चे कतार में बैठ जाते, सिंगिंग द अल्फाबेट, वर्णमाला गाते और प्रेयर इन द चौरस, एक साथ प्रार्थना किया करते थे। माई ग्रांड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी माँ अंदर बैठकर धर्म ग्रंथों को पढ़ती थी या उनका अध्ययन करती थी। When we had what finished, जब हम पूरा दोनों लोग काम कर लेते थे तो वी वुड वॉक बैक टूगेदर, हम लोग वापस लौट जाते साथ साथ। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस टू द टेम्पल डोर, इस बार गांव के कुत्ते हमें मंदिर के द्वार पर मिलते थे। दे फॉलोड अस टू अवर होम, वे हमारे घर तक गुर्राते हुए, फाइटिंग और लड़ते हुए, विद ईच अदर फॉर द चपाती, उन रोटियों के लिए, वी थ्रो टू देम, जो हम उनके लिए फेंकते या डालते थे, एक दूसरे से लड़ते हुए, गुर्राते और लड़ते हुए हमारे घर तक जाते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता शहर में पूर्ण रूप से स्थापित हो गए तो they sent for us, उन्होंने हमें बुलवा लिया। That was a turning point in our friendship, यह हमारी मित्रता का मोड़ था, महत्वपूर्ण जो मोड़ था यानी कि मोड़ था। Although we shared the same room, हम लोगों ने एक ही कमरे में रहते थे। My grandmother no longer came to school with me, लेकिन मेरी माँ, मेरी दादी माँ मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आती थी। I used to go to an English school in a motor bus, हम एक स्कूल इंग्लिश स्कूल में जाते थे, मोटर बस में एक स्कूल में जाते थे। There were no dogs in the street, गली में कोई कुत्ता नहीं था, and she took, और इसलिए she took to feeding a sparrow in the courtyard of
और सिटी हाउस, अपने शहर के घर के आंगन में उन्होंने पक्षियों को दाना खिलाना शुरू कर दिया था। एज द ईयर रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से कम मिलने लगे या देखने लगे। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, सी कंटिन्यूड टू वेक अप एंड सेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय तक वे मुझे जगाती और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। वेन आई केम बैक द वुड आस्क मी, जब मैं स्कूल से वापस आता तो सी वुड आस्क मी, मुझसे वह पूछती, व्हाट द टीचर है टॉट मी, कि अध्यापक ने मुझे क्या सिखाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड, मैं उसे कुछ इंग्लिश वर्ड बताता, अंग्रेजी शब्द, एंड अ लिटिल थिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस, और कुछ पश्चिमी विज्ञान तथा लर्निंग ज्ञान की बातें बताता। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, पृथ्वी का घूमना या गोल होना, ईटीसी एटसेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी, यह उन्हें उदास कर देता। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, मेरे पाठ में वह मदद नहीं कर पाती। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग, वह इस बात पर भी विश्वास नहीं करती। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल में सिखाते थे। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और उदास हो जाती थी कि दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गुड गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, की ईश्वर के बारे में और धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस, मैंने घोषणा की है, मैंने बताया कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, की मुझे संगीत सिखाया जा रहा है, तो वी सी वाज वेरी डिस्टर्ब, बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लूड एसोसिएशन, यानी कि उनके लिए म्यूजिक जो हुआ करता था वह अभद्र संगति में आता था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हर लॉर्ड्स एंड बेगर्स, इस पर वैश्याओं का और भिखारियों का ही एकाधिकार हुआ करता था या माना जाता था। एंड नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फॉल्क, और यह सम्मान पुरुष के लिए मतलब का नहीं होता था। सी सेड नथिंग बट, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, खामोशी असहमति का मतलब होता था, यानी खामोशी असहमति माना गया, नाराजगी मानी गई। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वह बहुत कम मुझसे बातें किया करती थी। वेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा तो आई वॉज गिवेन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे मेरा कमरा अलग से मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और हमारी जो समान कड़ी थी, मित्रता की समान कड़ी थी, वह टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजाइनेशन, बड़े ही बिना आपत्ति के उसने अपने एकांतवास को स्वीकार कर लिया। सी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, किसी से भी बात करते समय वह अपने चरखे को बंद नहीं करती या छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सी सेड बाई हर व्हील स्पिनिंग, अपने चरखे पर वह बैठी रहती थी एंड रिसाइटिंग प्रेयर और प्रार्थना करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय ही, सी रिलैक्स फॉर अ व्हाइल, कुछ क्षण के लिए आराम करती थी। टू फीड द स्पैरो, पक्षियों के लिए खिलाने को, पक्षियों को दाना खिलाने के लिए ही थोड़ा आराम करती थी। व्हाइल सी सैट इन बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू अ लिटिल बाइट्स, जब वह बरामदा में रोटियों को टुकड़ों में तोड़ देती थी, तो हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों की संख्या में पक्षी कलेक्टेड राउंड हर, उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल वेडलैम ऑफ चिरपिंग, और ची ची का एक ऐसा शोर करते जिससे कि
पागल हो जाने वाला कह सकते हैं या पागल हो कर देने वाला, चिड़चिड़ाने का यानी चीची करने का शोर उत्पन्न करते। सम केम कुछ आए एंड पर्च ऑन हर लेग कुछ आते और उनके टांगों पर बैठ जाते। अदर ऑन हर शोल्डर कुछ उनके कंधे में बैठ जाते। सम इवन सैट ऑन हर हेड कुछ उनके सिर पर बैठ जाते। सी स्माइल वह मुस्कुरा देती बट नेवर सूट देम अवे लेकिन उन्हें भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर उनके लिए यह सब आधा घंटा सबसे प्रसन्नचित कर देने वाला समय होता था। When I decided to go abroad for further study, आगे की पढ़ाई के लिए जब मुझे विदेश जाने का निर्णय लिया तो I was sure my grandmother would be upset, मुझे पूरा विश्वास था कि इससे उन्हें दुख हुआ होगा। I would be away for 5 years, हम 5 वर्ष के लिए बिछड़ने वाले थे, दूर होने वाले थे। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल और ऐसी उनकी अवस्था में कोई भी कुछ नहीं कह सकता था। बट माई ग्रांड मदर कुड लेकिन मेरी दादी माँ को पता था। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल वह बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन तक मुझे छोड़ने वह आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन लेकिन ना तो उन्होंने कोई बात की और ना ही इमोशन ना ही कोई भावनात्मक रूप दिखाया। हर लिप्स मूव इन प्रेयर उनके होंठों पर प्रार्थना हो रही थी यानी कि वह होंठों में मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी। इनके होंठ प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर उनका दिमाग प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी और उनकी उंगलियां माला फेरने में लगी हुई थी। साइलेंटली चुपचाप सी किस्ड माई फॉरहेड उसने हमारे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट जब हम लोगों मैंने उन्हें छोड़ा तो आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस शायद हमने हम दोनों के बीच का शारीरिक संपर्क का अंतिम चिन्ह एक नम चिन्ह को सजोकर रख लिया या क्या कर लिया उसको बिठा कर लिया यानी कि अपने मन में बिठा लिया या सजोकर रख लिया। बट दैट वॉज नॉट सो लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम मैं स्टेशन और उससे स्टेशन पर मुलाकात हुई। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर वह एक भी दिन बूढ़ी नहीं हुई थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड लेकिन उनके पास अभी भी कहने को शब्द नहीं थे। और एंड व्हाइल सी क्लैप्ड मी इन हर आर्म उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। आई कुड हियर हर रेसाइटिंग हर प्रेयर मैंने उसकी प्रार्थना के शब्दों को रिसाइटिंग प्रेयर प्रार्थना के शब्दों को सुना। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल मेरे आने के प्रथम दिन भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट उनका सबसे प्रसन्नचित समय वर विथ हर स्पैरो उनकी चिड़ियों के साथ वह समय था होम सी फैट लॉन्गर जिसको कि उन्होंने और अधिक समय तक खिलाया। एंड विथ फ्रीवोलस रिव्यू और बड़े ही मजाक रूप में क्या किया उन्हें हंसी मजाक में रिव्यू डांटा या फटकारा। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर शाम को एक परिवर्तन उनमें नजर आया। सी डिड नॉट प्रे उन्होंने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड उन्होंने पड़ोसियों की औरतों को इकट्ठा किया यानी बुलाया। गॉट एन ओल्ड ड्रम और एक पुरानी ढोल निकाली एंड स्टार्टेड टू सिंग और गाने लगी। फॉर सेवरल आवर सी थम्ब्ड
वे बहुत घंटों तक इसे बजाती रहीं, बहुत घंटों तक वह उसे बजाती रहीं। द सैगिंग स्किन ऑफ द डेलिपिडेटेड ड्रम ढीली ढाली ढोल को बजाती रहीं एंड सेंग फॉर होम कमिंग ऑफ वॉरियर, और योद्धाओं के घर वापस आने के गीतों को गाती रहीं। We had to pursue her to stop the void over straining, इतनी जोर से ढोलक बजाने से रोकने के लिए हमने उन्हें राजी कर लिया। Pursued, हमने उन्हें इतनी जोर जोर से ढोलक न बजाने के लिए राजी कर लिया। That was the first time, यह पहला मौका था। I had known her, जब से मैंने उन्हें जाना है कि सी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वाज टेकिंग इल, वह बीमार पड़ गई। इट वाज अ माइल्ड फीवर, हल्का बुखार था। एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि वह ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रांड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी का विचार अलग था। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया कि हर एंड वाज नियर, कि उनका वक्त करीब आ गया है। सी सैड दैट, उन्होंने बताया कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर, कुछ घंटे पहले ही, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन के अंतिम समय के, यानी कि अंतिम समय के कुछ घंटे पहले ही, सी हैड ओमिट टू प्रे, वह प्रार्थना करना भूल गई या विस्मरण हो गई। सी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वह हमसे बात करने में और अधिक समय व्यर्थ नहीं करने जा रही थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने उसका विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध का अवहेलना कर दी, यानी ध्यान नहीं दिया। सी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए या प्रार्थना करते हुए वह पलंग पर शांतिपूर्वक लेट गई। एंड टेलिंग हर वेट्स, अपनी माला फेरने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमारा संदेह हो पाता या हमें उस पर संदेह हो पाता, हर लिप्स स्टॉप, मतलब कि यह कि उन्होंने कहा कि भाई हम, मेरे दिन करीब हैं, इस पर संदेह उन्हें हो पाता कि उन्होंने गलत कहा है। हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उनके होंठ हिलने बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उनके निजू उंगलियों से माला गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और उनके चेहरे पर एक शांत पीलापन आ गया या समा गया। एंड वी नो, और हम जान गए कि सी वाज डेड, कि वह मर गई है। वी लेफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें पलंग से उठाया। एज इज कस्टमरी, जैसी कि हमारी पुरानी प्रथाएं होती हैं उनके अनुसार। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें जमीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड विथ अ रेड श्राउड, और लाल कपड़े से उन्हें ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर ऑफ मॉर्निंग, और थोड़ी घंटे विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, उनकी अंत्येष्टि के व्यवस्था को बनाने के लिए हम उन्हें अकेला छोड़कर चल दिए। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके शाम को उनके घर पे उनके रूम पर गए, यानी कि कमरे में गए। विद अ क्रूट स्ट्रेचर, अर्थी को लेकर के, टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, उनका अंत्येष्टि करने के लिए या दाह संस्कार करने के लिए उनके कमरे में अर्थी को लेकर के गए। द सन वाज सेटिंग, सन यानी सूरज अस्त हो रहा था। एंड लिट हर रूम एंड बरामदा विथ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, उनके कमरे में तथा उनके बरामदा में सुनहरे रंग का प्रकाश फैला हुआ था। सी वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, आंगन में हम
आंगन के आधे रास्ते पर हम रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा, बरामदा एंड इन द रूम, और कमरे में राइट अप टू वेयर सी ले डेड, जहां वह अभी पड़ी मृत पड़ी हुई थी। एंड स्टिव रैप्ड इन द रेड श्राउड, और लाल रंग के कपड़े में या कफन में लिपटी हुई थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर ऑन द फ्लोर, फर्श पर हजार सैकड़ों की संख्या में पक्षी बिखरे हुए थे, इकट्ठा हो गए थे। देयर वॉज नो चिरपिंग, वह चहचहा नहीं रहे थे। वी फेल सॉरी फॉर द बर्ड, हमें पक्षियों के लिए खेद हुआ, दुख हुआ। एंड माई मदर फैच सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियां ले आई। सी ब्रॉट इट इन टू लिटिल क्रम्स, और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया। द वे माई ग्रांड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी दादी किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके पास उनको डाल दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, रोटियों पर चिड़ियों ने पक्षियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रांड मदर, और जब मैं यानी कि हम अपनी दादी माँ को, दादी माँ के कॉर्प्स सब को ले गए, तो दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे चुपचाप वहाँ से उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्बल्स इन टू द डस्टबिन, और अगले दिन सफाई वाले ने रोटियों के टुकड़ों को साफ करके डस्टबिन कूड़ेदान में डाल दिया। इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन जो पाठ है वो समाप्त हो जाता है। अगले पाठ में फिर आपसे मुलाकात होगी, और विथ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। आशा है कि यह पाठ आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक कर दें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, तथा बगल में बने हुए बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।